एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम का एक अच्छा और बामानी वाक्या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स बीमार हो गया, यहाँ तक कि करीबुल मर्ग था, तो उसने एक दोस्त से पूछा, ऐ दोस्त, तुम मेरी इस मुश्किल में क्या मदद करोगे? उसने जवाब दिया, जनाब, मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करता रहूँगा, लेकिन अब मौत का मेरे पास कोई इलाज नहीं, अब मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। उसने दूसरी दोस्त को तलब करके अपनी मदद का कहा। उसने जवाब दिया, मैं तो आपके लिए सिर्फ ये कर सकता हूँ कि अगर आपका इंतकाल हो जाए तो आपको नहलाकर खुशबू लगाकर दफन करूँगा। अब उसने तीसरे दोस्त से मदद तलब की। उसने कहा, मैं आपका मौत के करीब भी साथ दूँगा, कब्र में आपके साथ जाऊँगा और क़यामत के दिन आपके साथ निकलूँगा और आपके साथ ही रहूँगा। ये सारा वाक़या सुनाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो ये तीन दोस्त कौन हैं? पहले का नाम माल, दूसरे का नाम अयाल यानी रिश्तेदार, और तीसरे का नाम अमाल है, जो हमेशा इंसान के साथ रहेंगे।